साहित्य संगीत संसद के इस विशेष एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जिस प्रसिद्ध पार्श्व गायक के गीतों की चर्चा के साथ, उनकी यादों के साथ उपस्थित हैं, उनकी बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले शुरुआत करते हैं उनके गाए एक गीत के साथ। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा लौट के आना। तुम याद रखना कहीं भूल ना जाना, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के दिल तोड़ के। बहुत बहुत खूब। और मुझे लगता है कि हमारे जानकार श्रोता इस आवाज के साथ ही पहचान गए होंगे कि हम किस गायक की चर्चा करने जा रहे हैं। उस गायक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और जिसने अपनी आवाज से बहुतों अभिनेता को बॉलीवुड में खास पहचान बनाने में बहुत बहुत मदद की। खास करके तीनों खान की बात की जाए, खान का जो ट्रायंगल है, तीनों खान के लिए इन्होंने गाया। मैं बात कर रहा हूं जिस प्रसिद्ध पार्श्व गायक की, उनका संबंध बिहार से है, मिथिला के बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जन्मे। 1 दिसंबर जिस दिन विश्व एड्स दिवस भी हम मनाते हैं, 1 दिसंबर 1955 को जन्मे उदित नारायण की चर्चा करते हैं। बाप बेटे दोनों गायक, उदित नारायण भी गायन करते हैं। तो उदित नारायण का कैरियर उफान पर आया 1990 के दशक की जब शुरुआत होगी, 90 से 1.5 साल पहले एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत, और उसके बाद किसे मालूम था कि फिल्म जगत में कयामत होने वाली। और उसके बाद अपने गायन से, अपने गीतों से लंबे वर्षों तक, अगले 2-3-4 दशकों तक कहा जा सकता है कि उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। ढेर सारे फिल्म फेयर पुरस्कार, 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, वही 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिला है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं, और जितनी ख्याति उनको भारत में बिहार में उतनी ही ख्याति बगल के देश नेपाल में भी है। तो हम चर्चा करें, इसे पहले चर्चा करते हैं कयामत से क्यामत तक फिल्म आई थी, और उस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला की जो जोड़ी थी उसको खास, इस जोड़ी को खास बनाने में मदद किया था आमिर खान ने, सॉरी उदित नारायण। तो उदित नारायण के इस गीत को सुन प्रायः लोग सपने पाला करते थे, हर कॉलेज वॉलेज में उन दिनों गाया जाता था। बता रही अब क्या है सुनते हैं जी, अब है मेरे हम सफर से जी जी। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, 2 पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। बहुत खूब। हमारे साथ हैं अमरजीत, और आप हैं निशु। तो अमरजीत और निशु हमारे साथ हैं, और उदित नारायण की गीतों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं।
ये गीत जिसको कि अभी हम अमरजीत गा रहे थे, ये फिल्म कयामत से कयामत तक की फिल्म से लिया गया है। और इस फिल्म के गीत के लिए पापा कहते हैं बेटा पर आराम करेगा, इसके लिए पहली बार आमिर खान को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और निशोर आवासी थी में। तो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, बस मतलब मुख का मुखरा जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जी, और इसके साथ ही आमिर खान के भी मंजिल की शुरुआत से उदित नारायण का भी कहा जा सकता है। यूं तो सफर की शुरुआत उन्होंने मशहूर गायक जिसके साथ गाना, जिसके गीतों को सुनना ही अपने आप एक बड़ी गौरव का विषय था, लेकिन उदित नारायण को गाने का अवसर मिला मोहम्मद रफी के साथ। उन्होंने अपने गीत कैरियर का यानी इस गायन कैरियर की शुरुआत की थी और फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए, सफर की शुरुआत हुई और अनेक मोड़ आए। 1989 के बाद उनके लिए जो दौर 90 का जो दशक था, इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ष नहीं था जब बॉलीवुड में जो फिल्म आई हो, उस फिल्म के लिए जो प्रसिद्ध फिल्म रही हो, उसके लिए उदित नारायण ने कोई गीत ना गाया हो। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं, बड़ी मशहूर फिल्म आई डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उनके लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। 1996 ईस्वी का वो वर्ष था जब इनको यह पुरस्कार मिला था। और अपने श्रोताओं को हम एक बात और बता दें कि डीडीएलजे का एक रिकॉर्ड है कि मराठा चित्र मंदिर महाराष्ट्र में या किसी भी हॉल में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड डीडीएलजे के पास। और उसके लिए फिर आवाज शाहरुख खान के लिए आवाज दिया था उदित नारायण। हम चाहेंगे कि वो 90 के 95 और 90 के दशक का मशहूर गीत को हर दौर में शायद स्वीकारा जाएगा, हर दौर में उसके श्रोता है और आज भी उसे सुने जाते हैं। अमरजीत, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में छुपा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे, छुप जाए सारे कुड़िया घर में शर्म के मारे, गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरे झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरे झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। जी, और इसके साथ ही फिल्म को भी बहुत ऊंचाई मिली और जोड़ी भी खास थी, शाहरुख खान का दिल की जोड़ी भी बड़ी प्रसिद्ध रही थी और उसके बाद इस फिल्म को ऊंचाई भी काफी मिली थी और इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। मैं थोड़ा सा जानकारी को थोड़ा संशोधित करूं, हमारे जैसा कि जिक्र किया 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है उदित नारायण ने अपने अपने अब तक के जीवन में। इसके अलावे वो पद्मश्री और पद्मभूषण दोनों ही से नवाजे जा चुके हैं और पद्मश्री का जो खिताब इनको मिला था, पुरस्कार मिला था, वो 2009 में, वही पद्मभूषण 2016 में प्राप्त हुआ। बड़ी बात यह थी कि इन्होंने बिहार में जन्म लेने के कारण मैथिली और भोजपुरी और हिंदी पे तो इनका अधिकार ही था, लेकिन इसके अलावे इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, असमी, ऐसी अब सोचा जा सकता है कि भारत में बोली जाने वाली विविध भाषाओं के लिए इन्होंने गीत गाया। मैं चाहूंगा
अमरजीत की आप अपनी पसंद है, जो उदित नारायण के गीतों को अमरजीत ज्यादा पसंद करता हो उससे। तूने जिंदगी में आके, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह तुम पे यूं ही मरे, छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे, तूने फासले मिटा के, तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। क्या खूब, बहुत खूब। मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दी कि जिन फिल्मों के लिए उदित नारायण ने फिल्म फेयर पुरस्कार पाया, वो पहला था क्यामत से क्यामत तक, वही दूसरा था TDLJ, तीसरा फिल्म जिसके लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और राजा हिंदुस्तानी, फिर एक बार आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी है राजा हिंदुस्तानी की, और उसके बाद हम दिल दे चुके सनम के लिए मिला, और फिर लगान के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है, और उसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है लगान के लिए। तो हमारे साथ निशु भी हैं, तो निशु आप उदित नारायण को पसंद करती जी, तो उदित नारायण के गाए किसी एक गीत को पहले तो बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस संसद में, और उदित नारायण का कोई गाया हुआ गीत जो आप चाहते हैं। तुझे देखा तो यहाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा तो मदद भी कर देंगे। तुझे देखा तो ये जमाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जमाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बहुत बहुत धन्यवाद निशु, और इसके बाद हम चलते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। मर्जीत उदित नारायण ने तो काफी शोहरत कमाया विभिन्न भाषाओं में, अपने लिए उनके कहा जा सकता है कि हिंदी के अलावे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के भी गीत उन्होंने गाया। हम चाहेंगे कि और एक गीत जो हम लगान फिल्म का हो, क्योंकि लगान एक ऐसी फिल्म थी वो जोड़ी आमिर खान और फिर से एक बार उदित नारायण की थी, कोई अगर गीत अगर आपको लगता है कि लगान का जो आपके पास हो, या फिर अपनी पसंद का करके लगान से, नहीं अगर लगा तो नहीं ऐसा हो तो कोई आप अपनी पसंद की जी। हाँ जी या फिर राजा हिंदुस्तानी का ही कोई सॉन्ग हो जो, या कोई भी जी, इसके बाद जी 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 जी। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, हाँ मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, जब जब देखूं तुमको देखूं यूं बस जाऊं आंखों में, यूं बस जाऊं आंखों में, जब जब देखूं तुमको देखूं यूं बस जाऊं आंखों में, मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, हो मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, तुम मेरा दर्पण बन जाओ, मैं बन जाऊं सांस तुम्हारा। बहुत खूब, और एक आध बार ऐसा अवसर आया है जब उदित नारायण ने अपने पुत्र आदित्य नारायण के साथ भी गीत गाया है,
दोनों बाप बेटे ने मिलकर ये गीत को गाया है और बहुत शानदार सफर रहा है। उदित नारायण का हम अपेक्षा करते हैं कि उनका ये सफर अभी आगे जारी भी रहेगा और बिहार वासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि बिहार के लोगों को प्रेरित किया, बिहार में जो गायन करते रहे हैं लोग उनको प्रेरणा उनसे मिली है। तो अब हम चाहेंगे कि उनके सम्मान मतलब उनके गाए ऐसे गीत जो आपको काफी प्रेरित किए। जी कोई ऐसा गीत जो दोनों जो गाए आदित्य नारायण और वो जो उदित नारायण जी, कौन सा तू मेरा दिल अच्छा वो थोड़ा सा जी शायद वो मनीषा कोइराला है फिल्म में अभिनेत्री है। अच्छा तू मेरा दिल तू मेरी जान ओ आई लव यू डैडी, मैं मासूम मैं शैतान बट यू लव मी डैडी। ये था जी उदित नारायण और राधिका नारायण ने साथ साथ गाया है जी। और अब उदित नारायण की जब चर्चा हो रही है तो उन्होंने तो उनका इतना बहुत लंबा सफर रहा है और किस गीत को कम आंका जाए किसको ज्यादा आंका जाए। हम अपने श्रोता को एक बात बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार की जब बात की जाएगी तो उनको चार बार ये पुरस्कार मिला, उनमें से पहली बार उनको 2001 में ये पुरस्कार आया था। उसके अलावा बाद लगातार दो वर्ष रहा जबकि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते रहे। तो अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अपने पसंद से कोई एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनाइए। एक गीत एक फिल्म आई थी अनारी उसमें भी उदित नारायण ने गीत गया है। और इसके अलावा एक आपकी जो पसंद का शायद आपने जो आयो हो मेरी जिंदगी में तो बाहर बन गए ये राधा हिंदुस्तानी जी तो उसी को सुना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मन का नगर था खाली सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग पी के बिनूर की दिवाली, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, मेरे दिल में चलिए बहुत 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 धन्यवाद ना जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है 1994 में एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आई थी, उसके जस्ट बाद आई थी TDLJ यशराज बैनर की फिल्म आई थी और आदित्य चोपड़ा ने इसको निर्देशित किया था। तो आदित्य चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म को उदित नारायण के गायन के कारण काफी ऊंचाई मिली। तो अब हम जब वक्त आया है कि जब हम इस साहित्य संगीत संसद को जो विशेष रूप से समर्पित था उदित नारायण के को लेकर उनके गीतों को के साथ हम उपस्थित थे, अब हम विदा लें। तो विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि अगर DDLJ का कोई एक और सॉन्ग हो या फिर इसके अलावा भी कोई एक जो उदित नारायण की चिर प्रसिद्ध तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका भी आपका जो गायन का सफर है ऊंचाई पे जाए। हमारे संसद को कई बार आपने सुशोभित किया है इसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।